साथियों, आगामी 7 दिसंबर को आपका ये भाई, आपका ये बेटा, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशियों से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, एक भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का अनाधिकृत प्रत्याशी है। आप समझ गए ना अधिकृत कौन है और अनाधिकृत कौन है। माननीय महामहिम मुख्यमंत्री जी अधिकृत प्रत्याशी है और उन्हीं की पार्टी के उनके वरिष्ठ सहयोगी, साथी, मित्र, दोस्त, कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अनाधिकृत छुपे हुए प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी की छुपकर मदद कर रहे हैं। साथियों, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने मुझे जिस तरह से सहयोग किया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मुझे ताकत दी है, अपना आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया है, मैं आपके बलबूते पे एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों सुन लो, आप चाहो तो 200 प्रत्याशी खड़े कर दो, हम सबको निपटाते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि ये अकेला गौरव वल्लभ नहीं चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव हेमंत सोरेन लड़ रहा है, ये चुनाव लालू यादव लड़ रहा है, ये चुनाव राहुल गांधी लड़ रहा है, ये चुनाव माननीय सोनिया गांधी लड़ रही है। और जब ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके 2 प्रत्याशी तो क्या, ये व्यक्ति 200 प्रत्याशी को निपटाता हुआ निकलेगा। और ईश्वर ने मुझे शरीर, ताकत, बल भी इतना दिया है कि 2 प्रत्याशियों को तो निपटा के निकल सकता हूं। साथियों, मैं जहां भी जाता हूं अपने विकास के एजेंडा की बात करता हूं, क्योंकि मेरी और कांग्रेस पार्टी और मेरे गठबंधन के साथियों की एक ही विचारधारा है। वो विचारधारा ये है कि गरीब के घर में किस तरह सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके, एक मूलवासी के घर में किस तरह सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, हमारा ये एजेंडा भी नहीं है कि हमारे लोग सड़कों पर एक दूसरे को मारते हुए मिले, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के बेटे और भतीजे जमशेदपुर की सड़कों पर एक दूसरे को मुक्केबाजी करते हुए मिलते हैं। वो लोग अपने विधायक प्रतिनिधि को इतना मारते हैं कि जब वो बाहर आता है तो उसकी हालत देख के पुलिस को भी तरस आ जाता है। हमारा कोई समुदाय को मारने का एजेंडा भी नहीं है, किसी जाति धर्म को प्रताड़ित करने का भी एजेंडा नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का आप आशीर्वाद दे रहे हो, अगर आपके ऊपर एक अंगली भी उठी तो ये आपका बेटा, आपका भाई उस अंगली को तोड़ देगा। साथियों, मैं पिछले 20 साल से इस शहर की सबसे प्रतिष्ठित और इस शहर ही क्या, एशिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था में प्रोफेसर हूं, और 20 साल से जब भी अखबार खोलता हूं हर तीसरे दिन एक समाचार पत्र जरूर पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, हमारे अभिभावक रामेश्वरी जी, मेरा युवा जेएमएम का नेता बलजीत, आपके घर वोट मांगने नहीं आएगा, आपके घर मालिकाना के कागज देने हम घर घर घूमेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 10 दिन के अंदर, विधायक बनने के 10 दिन के अंदर मालिकाना की कार्रवाई चालू होगी
और मेरे विधायक के कार्यकाल में आपके घर पे मालिकाना के कागज हम देके जाएंगे, और ये कागज देने से हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये कागज देके हम कोई आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे, हम आपको अपना अधिकार दिलवा रहे हैं। साथियों, आप मैं यहां जितने भी लोग हैं, हम सब लोग जमशेदपुर में रहते हैं। देश के 25 बड़े शहरों में जमशेदपुर का नाम है। आप मुझे एक बात बताइए साथियों, अगर आपके घर में कोई सर्दी खांसी जुखाम, किसी को चोट लग जाए, हाथ में खरोंच आ जाए, हड्डी टूट जाए, आप कहां लेके जाओगे? क्या आप उसको एमजीएम लेके जाओगे कि कोई प्राइवेट अस्पताल में लेके जाओगे? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए मुझे, आप उसको प्राइवेट अस्पताल पे लेके जाओगे? आप उसको एमजीएम क्यों नहीं लेके जाओगे पता है आपको? क्योंकि आपको पता है कि एमजीएम में एक बार गए तो एक बीमारी का तो इलाज हो जाएगा, पर बाहर 3 बीमारी लेके वापस आएंगे। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दिन आपने जिस तरह का आशीर्वाद दिया है, और 7 तारीख को अगर आपके बेटे पे आपने क्रमांक संख्या दो के हाथ के पंजे पर अगर ईवीएम का बटन दबाया, तो एमजीएम को मैं विश्व स्तरीय अस्पताल बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास अस्पताल। साथियों, ये एमजीएम के इलाज के कारण आपको अपने मरीजों को दूसरे शहरों में ले जाना पड़ता है, वो बंद हो जाएगा। आपको अपनी जमीनें बेच के, अपने गहने बेच के अपना इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। एमजीएम में हर बीमारी का विश्व स्तरीय मुफ्त इलाज करवाएगा, ये आपके बेटे का वचन है आपको। साथियों, मैं तीसरी बात आपको बोलता हूं, 3 बातें ही करूंगा, उससे ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारी बात सच की बात है, हमारी बात झूठ की बात, धोखे की बात नहीं है। क्योंकि 25 साल से आपके साथ कुछ हुआ है तो वो एक ही चीज हुई है, धोखा धोखा धोखा। मेरा तीसरा मुद्दा आपसे एक ही है, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बेटों को, आपके भाइयों को, आपके पति को, आपकी पत्नी को यहीं पे जमशेदपुर में रोजगार मिलेगा, और आपको ठेका मजदूर के रूप में 5-5, 7-7 हजार की नौकरियां नहीं करनी पड़ेगी। मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मुझे अपने बेटे के लिए, अपने भांजे के लिए, अपने भतीजे के लिए टाटा कंपनी में नौकरी की लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे आपके लिए नौकरी की लड़ाई लड़नी है, आपके बेटों के लिए नौकरी की लड़ाई लड़नी है। मैं आपसे तीसरी प्रतिज्ञा करके जाता हूं कि जितनी भी बंद पड़ी कंपनियां हैं जमशेदपुर में, भले ही वो केबल कंपनी हो, टायो कंपनी हो, एग्रीको है, अपने विधायक के कार्य 5 साल के कार्यकाल में सारी के सारी बंद पड़ी हुई कंपनियां ये खुलेगी। और ना केवल ये 3 बड़ी कंपनियां, जो आदित्यपुर में 700 छोटी कंपनियां बंद हुई है पिछले 4 महीने में, जिससे आपके बच्चों का 30,000 श्रमिकों का रोजगार चले गया, आपका बेटा वो कंपनियां वापस खुला के आपके बेटों को रोजगार दिलवाएगा। मेरा आप लोगों से वादा है, मैं आपके सामने ये बोल के भागूंगा नहीं कि मैं इतने करोड़ रोजगार दे दूंगा, क्योंकि हम सच की बात करते हैं, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह 25 साल से 1 रुपये का भी नया निवेश हमारे शहर जमशेदपुर में नहीं हुआ, आपका बेटा नया निवेश लाएगा इस शहर में, नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अगर मेरे साथियों आपको मेरी इन 3 वादों पे यकीन है, एक टीचर एक अध्यापक के 3 बातों पर आपको एतबार है, विश्वास है, हमारे जितने भी सीनियर लोग यहां पर बैठे हैं उनकी बातों पर एतबार है, तो मैं भी आपसे एक वादा चाहता हूं,
अगर आपको मेरी बातों पर एतबार है तो मुझसे वादा कीजिए कि अभी से इसी समय से आपको पूरी बस्ती हर घर प्रोफेसर गौरव वल्लभ बन के घूमना पड़ेगा। अगर आपने ये कर दिया, अगर आप घर घर मेरी बातों को पहुंचा दे और पहुंचा पाएंगे, मुझे विश्वास है। अगर आपने अपने आसपास के 10 घरों का मत आपके बेटों को दिलवा दिया और आप दिलवाओगे, ये भी मुझे पता है। अगर आपने अपने परिवार का, अपने दोस्तों का 10 परिवारों का मत हाथ के पंजे को, गुरुजी के हाथ के पंजे को दिलवा दिया, तो आपका ये जो बेटा, आपका भाई, आपका पुत्र ने जो 3 वचन दिए हैं, वो एक एक शब्द को पूरा करके मैं आऊंगा। और अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो मैं आपसे एक और वादा करके जा रहा हूं, अगर इन 3 वचनों में से एक भी वचन में कोई गलती हो जाए तो मेरा आपसे वादा है कि जिंदगी में मैं और मेरे सीनियर लीडर्स आपके सामने वोट मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि हम सच की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे दोस्तों को टाटा कंपनी में पक्की नौकरियां दिलवाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम आपके बेटों को पक्की नौकरी दिलवाने की राजनीति करने आए। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि आज इसके बाद 3 और मेरे चुनावी कार्यक्रम है, पर आप जिस तरह से यहां आए, मेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर देना, और वो इच्छा बता के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। रामेश्वर जी, मेरी एक इच्छा है। बलजीत, मेरी एक इच्छा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेरे सारे साथियों, मेरी एक इच्छा है, उस इच्छा को पूरी कर देना कि जब मैं विधायक बनने के बाद रांची जाऊं और संयुक्त रूप से विधायक दल की बैठक हो रही हो, तो मैं सबसे पहले हेमंत सोरेन साहब का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करूं, ये मेरी आपसे इच्छा है। अगर आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो मैं आपको वादा करता हूं कि 3 बातें अक्षरश पूरी करके जाएंगे। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ऐसा झारखंड बनाएंगे कि लोग देखने आएंगे कि ये विकसित राज्य कैसे बन गया। 19 साल हो गए झारखंड को नया राज्य बने, 19 में से 14.5 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भ्रष्टाचार से ये राज्य खत्म हो गया। हम अगले 5 साल में एक ऐसा झारखंड बनाएंगे जहां पर हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर बच्चे को स्कूल मिलेगा, हर मरीज को अस्पताल मिलेगा, हर गृहिणी को उसका स्वाभिमान मिलेगा, हर महिला को उसका स्वाभिमान मिलेगा, हर मूलवासी आदिवासी को उसका अधिकार हम दे के मानेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर आप मुझसे सहमत हैं, अगर आपको इस शिक्षक की आंखों में, इसकी बातों में सच्चाई लगती हो, तो एक बार सभी लोग खड़े होकर मेरे साथ एक ही नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोनिया गांधी, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, लालू यादव, जय हिंद, जोहार। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के लिए।